तो शीट नंबर 19 में 12 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि बैटरी जिसकी ईएमएफ ई है, ये बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, गिव्स अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। ध्यान से देखो फिगर, बैटरी ई है, इंटरनल स्मॉल आर है, करंट 0.5 एम्पियर है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 है। तो ये डायग्राम नंबर 1 क्लियर है। फिर वो ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि केस नंबर 2 में मुझे करंट 0.25 चाहिए, इसी बैटरी से मुझे करंट 0.25 चाहिए, लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी हो गई, 12 की जगह 25 हो गई। तो केस नंबर 2 भी क्लियर है। तो केस नंबर 1 2 के डायग्राम्स क्लियर हैं। तो इस डायग्राम में करंट का फॉर्मूला क्या करवाया था, ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। तो यहां पर करंट कितने 0.5 है, ईएमएफ कितनी है ई है, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सही है यहां तक। और उसी तरीके से इसके अंदर करंट 0.25 है, टोटल ईएमएफ ई है, एक्सटर्नल 25 है, इंटरनल स्मॉल आर है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ई एंड आर कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? तो ई और आर की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब कहने का मतलब दो केस बन जाएंगे, दो केस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ई और आर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। इस क्वेश्चन को देखें प्लीज, इस क्वेश्चन में तीन रेजिस्टर्स हैं, एक 3 ओम है, एक 4 ओम है, एक 6 ओम है। किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल में कनेक्टेड है, गिवन है। इसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है 2 वोल्ट, इंटरनल कितनी है 2/3 है। तो बस मुझे ये बताओ कि अगर ये 2 वोल्ट है तो यहां और यहां और यहां 2 वोल्ट मिलना चाहिए, हाँ या ना? हाँ, तो आप पढ़े नहीं अभी, क्योंकि इस सेल की क्या गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और जब सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन हो और जब वो करंट बाहर निकालेगा, वो 2 वोल्ट कभी दे ही नहीं पाएगा, वो 2 वोल्ट से कम वोल्टेज देगा। वो कम वोल्टेज को क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? वैसे अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना होती तो आपका पॉइंट सही था, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, पर क्योंकि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि 2 वोल्ट की जगह क्या वोल्ट देगा। ये कैलकुलेट करने के लिए तीनों को मैंने किस में लगा दिया, पैरेलल में। तो 1/r, 1/3, 1/4, 1/6, तो r की क्या वैल्यू आ गई, 4/3। कोई डाउट इसमें, कैपिटल r की वैल्यू 4/3। अब ये बताओ कि इसमें करंट क्या होगा, बैटरी में से कितना करंट बाहर निकलेगा, टोटल ईएमएफ, ईएमएफ टोटल कितनी है, 2 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, एक्सटर्नल इन तीनों को मिला के कितनी आ रही है, 4/3, इंटरनल बैटरी की कितनी गिवन है, 2/3, सॉल्व करके करंट आ गया। तो बैटरी में से टोटल करंट बाहर कितना निकलेगा, 1 एम्पियर। क्या स्टेप क्लियर है, डायग्राम बना हुआ है देखो, उन तीनों की जगह 4/3 इंटरनल है, तो करंट क्या होगा, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। सही। अब इसका मतलब कि बैटरी ने इसको 2 वोल्ट नहीं दिया, कितना दिया, कैपिटल ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर दिया, है ना, ई माइनस आई आर। या फिर एक और तरीका निकालने का, इससे पूछ लो क्योंकि मिला तो इसको वी, तो इसका वी कितना है, आई इंटू आर करके देखो, 4/3 वोल्ट आ रहा है। तो इसका जो वी आ रहा है ओम लॉ से 4/3 वोल्ट आ रहा है। क्या स्टेप क्लियर है, तो यानी कि यहां पर 4/3 वोल्ट है, तो ये किसका बना हुआ है, 3 रेजिस्टेंसेस का कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, वी। तो वी की वैल्यू यहां पर कितनी है, 4/3 वोल्ट। तो इन तीनों में कितनी मिलेगी, 4/3 4/3 एंड 4/3 वोल्ट। कोई डाउट इसमें, मेरे कहने का मतलब यहां पर 2 वोल्ट नहीं मिलेगा, यहां पर 2 वोल्ट से कम मिलेगा, क्योंकि इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर करनी है, 4/3 4/3 4/3। तो आप यहां से ओम लॉ लगा लो, वी इज इक्वल टू आई आर, आई वन आ जाएगा। ओम लॉ लगा लो, वी इज इक्वल टू आई आर, आई आ जाएगा। ओम लॉ लगा लो, वी इज इक्वल टू आई आर, आई आ जाएगा। तो तीनों ब्रांचेस में करंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे यूज करना है, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जल्दबाजी में लोग क्या करेंगे, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट करके ऑब्जेक्टिव मार्क कराएंगे। नहीं करना, जब सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, फिर सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट निकाल के वी ही निकालना पड़ेगा, और जो ये वी आएगा उसके साथ ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, नहीं तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। कोई डाउट इसमें,
क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है ए और बी के बीच में। तो ये आपके पास ये बी पॉइंट है, ये आपके पास ए पॉइंट है। मैंने आपको कई बार कहा अपना लाइन खींच लिया करो ए पॉइंट से। तो एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। तो मान लेते हैं यहां का पोटेंशियल वी है, इस वायर के बीच में कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो दिस इज एन इक्विपोटेंशियल वायर। तो अगर वायर के एंड में बीच में कुछ नहीं लगा तो वी एंड वी हो गया, कैपेसिटर में किया था हमने ऐसा। और ये वी है तो ये भी क्या हो गया, वी हो गया। तो अगर ये वी, ये वी, ये वी हो गया, तो मान लो जंक्शन का पोटेंशियल कितने पे है, वी नॉट पे है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है, वी माइनस वी नॉट है। पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है, वी माइनस वी नॉट है। और पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितने है, वी माइनस वी नॉट है। तो ये तीनों रेजिस्टर्स किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तीनों में एग्जैक्टली सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ऐसा कर सकते हैं कि ये 6R 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 किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल। और जो आंसर आएगा वो आर के साथ किसमें कनेक्टेड है, इन सीरीज। तो ये पैरेलल और ये सीरीज, तो ये 6R 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 पैरेलल में, तो आंसर क्या देगा, 2R 2R और R सीरीज में आंसर क्या देगा, 3R। आंसर इज 3R। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है कि कैसे लॉजिक लगेगा इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक? जैसे ये क्वेश्चन है, हम ऐसा क्वेश्चन कैपेसिटर में भी किया करते थे और देखते ही बता दिया करते थे कैपेसिटर में तीन कैपेसिटर अगर ऐसे कनेक्टेड है तो कनेक्टेड इन पैरेलल, ऐसा करते थे। चलो आप भूल भी गए कोई बात नहीं, आप एक काम करें, मान लो ये वी वोल्ट है, गलत है, मान लो ये वी वोल्ट है, ठीक है। तो ये एक इक्विपोटेंशियल वायर है, तो ये भी वी वोल्ट हो गया, वायर में कुछ लगा नहीं, तो कोनों के अक्रॉस वी की वैल्यू सेम है। ऐसी अगर ये वी नॉट है तो ये भी वी नॉट है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस वी माइनस वी नॉट है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस वी माइनस वी नॉट है, और इसमें भी वी माइनस वी नॉट, तीनों के तीनों किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल। तो आप इसमें क्या करेंगे, गलत किया हुआ है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे इसमें पैरेलल का, 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R, यहां से R इक्विवेलेंट कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये मेथड क्लियर है? पता लग रहा है कि आज के बाद इस टाइप का जो डायग्राम है वो किसमें कनेक्टेड है, इन पैरेलल है। ठीक है, यहां तक क्लियर है?